पाकिस्तानी टीम ने एसीसी इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शनिवार 23 जुलाई को खेले गए फाइनल में मुकाबले में पाकिस्तान ए ने भारत ए को 828 रन से हरा दिया है। मुकाबले में पाकिस्तान ए ने 353 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए भारतीय टीम सफलतापूर्वक नहीं कर पाई और भारतीय टीम 40 ओवरों में ही 224 रनों पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने दूसरी बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया है, वही दूसरी बार भारत ने ये खिताब जीत से चूक गई है। टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत शानदार रही थी। साई सुदर्शन और अभिषेक शर्मा ने कर पहले विकेट के लिए 64 रनों से शानदार जोड़ी। अरशद इकबाल ने सुदर्शन को मोहम्मद हारिस के हाथों कैच आउट कराके इसे पार्टनरशिप को तोड़ा। सुदर्शन ने 4 चौकों की मदद से 29 रन बनाए। भारत को इसके बाद निकिन जोस के रूप में दूसरा झटका लगा, जो सिर्फ 11 रन बना सके थे। जोस को मोहम्मद वसीम जूनियर ने LPW आउट किया था। 80 रनों पर 2 विकेट गिरने के बाद अभिषेक शर्मा कप्तान यश ढुल ने मिलकर 52 रनों की साझेदारी की। अभिषेक ने 51 गेंदों पर 61 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 1 सिक्स शामिल रहा। अभिषेक शर्मा को सूफियान मुकिम ने तैयब ताहिर के हाथों कैच आउट कराया। अभिषेक के बाद भारत ने निशांत सिंधु, यश ठुल और ध्रुव जुरेल के विकेट का अंतराल में गवा दिए। ठुल ने 4 चौकों की मदद से 39 रन बनाए। सिंधु ने 10 और जुरेल ने 9 रनों का योगदान दिया था। 6 विकेट गिरने के बाद भारतीय के लिए जीतना मुश्किल सा लग रहा था। बाकी बल्लेबाज भी जल्दी पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान ने खिताब अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की ओर से सूफियान मुकीम ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए थे, वहीं मेहरान मुमताज ने और अरशद इकबाल और मोहम्मद वसीम जूनियर को 2-2 विकेट मिले थे। बता दें कि मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान टीम ने जबरदस्त शुरुआत की थी। ओपनर शाहिम अयूब ने 59 और साहिबजादा ने 65 रन मिलाए थे 121 रन की पार्टनरशिप करके, मगर भारतीय टीम ने यहां से वापसी और पाकिस्तान टीम को लगातार विकेट झटकते हुए 187 रन पर 5 विकेट हो गए थे। इसके बाद तहब ताहिर ने मोर्चा संभाला और मुबाशिर खान के साथ मिलकर 126 रनों की पार्टनरशिप पर पाकिस्तान टीम को 300 के पार पहुंचाया। फिर मुछल्ले बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए टीम को 352 तक पहुंचा दी। तहब ताहिर ने 71 गेंदों पर 108 रन जोड़े। उस दौरान ताहिर ने 4 छक्के और 12 चौके जमाए। ओपनर साहिबजादा फरहान ने 65 और सैयब अयूब ने 59 रनों की एक शानदार पारी खेली। भारतीय टीम के लिए राजवर्धन हैंगरकर और रियान प्रांग ने 2-2 विकेट झटके थे। वीडियो जरूर कर दें।